महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सब मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ मिलेगी आप सबसे चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखें, माँ गणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। मित्रों मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ, अभी सूर्य भगवान ग्रहों के राजा 15 जून को कहा अपना अभी वृषभ राशि में है, वृषभ राशि को छोड़ करके आ जाएंगे मिथुन राशि में सूर्य भगवान। और देखिए 24 जून को यानी एक हफ्ते बाद ही 24 जून को बुद्ध देव भी आ जाएंगे यहाँ से छोड़कर। यहाँ पर बुद्ध युवराज हैं, सूर्य राजा है ग्रहों के, बुद्ध युवराज हैं, बुद्ध तेज तेज चलते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। सूर्य तो हर महीने अपना जगह चेंज करते हैं तो सूर्य जो है 32 दिन लगेंगे, 15 जून से 17 जुलाई तक जो है मिथुन राशि में रहेंगे, जहाँ 24 जून से 8 जुलाई तक बुध भी रहेंगे, सूर्य का बुध का साथ मिलेगा। कहाँ पर धन भाव में वृषभ राशि की चर्चा कर रहा हूँ मैं इस समय, क्योंकि मेष राशि की चर्चा कर चुका हूँ। वृषभ राशि के लिए ये संयोग जो है, ये ट्रांजिट, ये संचरण सूर्य देव का जो कि 15 जून से 17 जुलाई तक हो रहा है मिथुन राशि में, वो हर राशि को कहाँ कैसा फल दे रहा है वो चर्चा करते हुए मैं चर्चा कर रहा हूँ। वृषभ राशि की तो वृषभ राशि में नंबर 2 राशि है और नंबर 3 मिथुन राशि जो कि धन भाव में है, तो धन भाव में सूर्य आगे 15 जून को और 17 जुलाई तक रहेंगे, 24 जून को और 8 जुलाई तक बुध भी रहेंगे, तो बुध का सूर्य का साथ लग गया धन भाव में बैठ करके भाई, तो धन भाव में बैठ करके यहाँ पर धन की बारिश करेंगे दोनों ग्रह। और यहाँ से देखिए दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी कहाँ अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव भी गुप्त धन का, लॉटरी का, सट्टे का, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का। और यहाँ बृहस्पति की राशि है, वैसे भी तो बृहस्पति की राशि है तो बृहस्पति की, बृहस्पति भी देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये इनकी दृष्टि जो बृहस्पति राशि को अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो सूर्य भगवान द्वितीय भाव में बैठ करके धन की बारिश करेंगे, यानी चमका देंगे किस्मत आपके, भाग्य धन धन से भर देंगे, बुद्धि भी और आपका बुद्धि से विवेक से जो आप काम करते हैं तो बुद्धि का अनुसार आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी आप बुद्धि के जो काम कर रहे हैं, जहाँ बुद्धि विवेक का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे सारे काम में प्रोफेसरशिप है, वकालत है, जज है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब ऐसे सब काम में जहाँ भी आपका दिमाग का काम किया जाता है, बुद्धि का काम किया जाता है, वहाँ बुद्ध देव आपकी मदद करेंगे और धन तो देंगे ही रहेंगे भाई। तो सूर्य और बुद्ध दोनों ही मिलकर के धन भाव से धनाधन धन की कृपा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे 8 जुलाई तक बुद्ध मिलकर के सूर्य के साथ, और बाकी 17 जुलाई तक तो सूर्य भी रहेंगे यहाँ पर धन भाव में। और ये खुद बुद्ध की राशि है, बुद्ध अपनी राशि में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो अपने घर में बैठ करके तो बुद्ध क्या कुछ नहीं देंगे भाई, सब कुछ देंगे, माला माल कर देंगे। तो वृषभ राशि के लिए धन भाव के तो बहुत जबरदस्त है। और देखिए इनका यहाँ पर देख रहे हैं अष्टम भाव में, तो अष्टम से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते आप थोड़ा सा ड्राइविंग में होशियार रहिएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है दुर्घटनाओं का रहता है, तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए संभल के चलिए, ड्राइविंग संभल के चलिए इसको। और देखिए सूर्य की अपनी राशि जो है ये पंचम सिंह राशि कहाँ है, चौथे भाव में, तो चौथे भाव में सुख साधनों में सिंह राशि, और सिंह राशि का मतलब यानी सूर्य की राशि, और सूर्य यहाँ बैठे हुए धन भाव में, तो धन भाव में बैठ कर सूर्य धन देंगे तो काय के लिए देंगे, सुख साधनों के लिए देंगे, सुख साधनों की वृद्धि होगी घर में, जिंदगी में जो भी सुख मिले जिस चीज से वो सब चीज आपको मिल जाएगी, क्यों यहाँ पर सूर्य की अपनी राशि है। सूर्य अपनी राशि को अपने घर को तो संभालेंगे, सूर्य बुद्ध के घर में बैठे हुए हैं, राजकुमार के घर में, महाराजा राजा प्लैनेट्स के राजा सूर्य और राजकुमार बुद्ध, तो राजकुमार बुद्ध के घर में राजकुमार भी खुद आएंगे 24 जून को और पहले वहां पर राजा पहुंच जाएंगे, सजा हुआ घर, तो वहां पर
राजा बैठेंगे तो राजा का जो है आशीर्वाद सभी को मिलेगा, तो बुध कैसे चुप जाएंगे, क्योंकि बुध तो अपने घर में ही है। तो इस राशि में माता को सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता को आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और ये सिंह राशि होने से चतुर्थ भाव के सारे सुख सुविधा मिलेंगे भाई। और सूर्य यहाँ से देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव से मैंने बना दिया, प्रॉपर्टी मिल सकती है, घर अचल संपत्ति मिल सकती है, सोना है, गाड़ी है, भूमि है, बंगला है, खेत है, कुछ भी है, अचल संपत्ति मिल सकती है सूर्य की कृपा से और बुद्ध की कृपा से भी। तो अष्टम भाव से और द्वितीय भाव से तो मिलेगा मिलेगा सर, वो धन कहाँ से मिलेगा, वो काम से मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, नौकरी से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए केंद्र में, तो शनि तो कृपा करेंगे करेंगे, तो काम अच्छा होगा, नौकरी में तभी तो पैसा आएगा। तो यहाँ पैसा कैसे आएगा, काम से आएगा, वर्ग क्षेत्र से आएगा। तो मित्रों वृषभ राशि के लिए मैं तो कहूंगा ये संयोग, कौन सा संयोग, सूर्य का धन भाव में मिथुन राशि में आना बहुत जबरदस्त है। तो वृषभ राशि के लिए भी मैं ये कहूंगा, और वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरस के लिए जो है दिस इज वेरी गुड, यानी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है सूर्य का 15 जून से 17 जुलाई तक, ये ट्रांजिशन वृषभ राशि के लिए बड़ा भाग्यशाली है, धन धान्य देगा, नौकरी में तरक्की देगा, व्यापार में तरक्की देगा, व्यवसाय में तरक्की देगा। और ग्रहों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, और ग्रहों से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि लग्न में है नंबर 2, शुक्र की राशि है और शुक्र बुध मित्र है, और सूर्य तो राजा है ग्रहों के, तो सूर्य का तो कोई बात नहीं है, सूर्य की तो किसी से लड़ाई नहीं है, शनि लड़ाई मानता है लेकिन सूर्य की तो नहीं है, सूर्य का तो पुत्र है, तो राजा लड़ाई कैसे मान सकता है, नाराजगी कैसे, तो राजा तो सबको सुख देगा आपको। वृषभ राशि वाले बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ मिल रहा है, धन धान पैसा संपत्ति गुप्त धन प्रॉपर्टी, और देखिए सुख साधनों में विकास हो रहा है, सारे सुख साधन मिल रहे हैं, सुख साधनों के साथ साथ भूमि भवन बंगला गाड़ी जो उनका क्रय विक्रय करोगे, बेचना चाहो तो लाभ मिलेगा, खरीदना चाहो तो भी लाभ मिलेगा, और जो चाहोगे वो मिलेगा उनको। और यहाँ बुद्ध की देखिए एक राशि बुद्ध की यहाँ बैठी, ये भी जो बुद्ध अच्छी है, तो ये बता दूं मैं, ये कन्या राशि है, तो इनको खाली सूर्य के यहाँ होने से नहीं बल्कि बुद्ध के यहाँ होने से भी यहाँ भी बल मिल रहा है, यानी पंचम भाव में भी कन्या राशि है, तो पंचम भाव के सारे सुख, संतान को सुख, संतान की परीक्षाओं में सुख, पतियों की परीक्षाओं में पास होना, प्रेम प्रसंग में लाभ होना, वो सब भी गवर्न हो रहा है यहाँ से एक बुद्ध की वजह से। तो खाली मैं सूर्य की चर्चा नहीं, मैं तो मिथुन राशि की चर्चा कर रहा हूँ, मिथुन राशि में इस समय सूर्य आएंगे और बुद्ध भी आएंगे साथ साथ, तो बहुत जबरदस्त योग बनेगा बच्चों। तो वृषभ राशि को भी मैं अच्छी श्रेणी में मानता हूँ, मैं जो अच्छी जो राशियों को लाभ होने वाला है, मैं एक राशि तो मैं बाद में समराइज कर दूंगा अलग, लेकिन बुद्ध और की सूर्य की कृपा पाने वाली एक राशि वृषभ राशि भी है, तो वृषभ राशि को आप टॉप पर रख सकते हैं, और अन्य राशियों के साथ जैसे मेष राशि को भी टॉप पर गोल्डन पीरियड रख सकते हैं। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूंगा, फिर निवेदन करूँ कि आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में गणेश आय नमा लिखेंगे तो भगवान गणेश आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। मित्रों नमस्कार।